गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज संडे है, सुबह 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 5 बजने वाले। सौरभ भी उठ गया है और मैं बस बुलेट निकाल के हम जाने वाले चेन्नई पर, जो कि हमारा संडे का नॉर्मल रहता है हमारा रूटीन। पहले चेन्नई पर जाएंगे, फिर मनसा जाके चाय पियेंगे, फिर सुहास जाके हम लोग वो खाएंगे खस्ता। तो फटाफट से चलते हैं क्योंकि अभी 5 बजने वाला है और बुलेट निकालने में भी मेरे को टाइम लगेगा। गाइस सौरभ को तो लेने आ गया, वो आ ही रहा है। और ये देखो भाई, फॉग है और बहुत ठंडी हवा चल रही थी भाई, मैं तो हाफ टी शर्ट पहन के आया हूँ। ऐसे देखो नाइट आउट पे निकले हम, जैनेश्वर आ गए रात के तीन बजे भाई। अभी जैनेश्वर भी नहीं खुला, अभी कुछ 5 बजे खुलेगा, अभी 2 घंटे बाकी। क्या करे समझ नहीं आ रहा। सुबह के 5:30 बज गए हैं, अभी सनराइज हुआ नहीं है, ये अभी चांद निकल रहा है, उल्टा हो रहा है, नाइट आउट पे नहीं आए हम। और ये देखो भाई, वो कुछ भी नहीं दिख रहा अभी। जैनेश्वर भी बंद है और वेट कर रहे हैं हम, 6 बजे तक चैट खुलेगा, जब तक सनराइज होगा तब तक यहीं खड़े हैं, क्योंकि गाड़ी मैं नहीं चलाने वाला, हाथ पूरे ठंडे हो गए मेरे। 5:30 हो रहा है सुबह, अब लग रहा है 6 बजे आना पड़ेगा, ठंडी हो गई, टाइम चेंज करना पड़ेगा। ऐसे 5 बजे सूरज निकल आता था, अभी 6 बज रहा है और अंधेरा हो रखा है, चांद निकल रखा है। ऐसा एंट्री तो मिल गई है, ये देख लो भाई, सुबह सुबह सूरज नहीं चांद निकल रहा है, और खंभे की लाइट है वो। ऐसे जितना दिन कैमरे पर दिख रहा है ना, उतना है नहीं, बहुत अंधेरा है भाई, हवा नहीं चल रही, लेकिन फाइनली चले भी ना तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, देख क्या पहन के घूम रहे हम लोग, ठंडी लग रही है। फाइनली सनराइज हुआ, कितना 6:30 बज रहा है ना, 6:30 हुआ भाई सनराइज, देख रहा हूँ। हाँ भाई, वो तो एकदम ब्लैक मछली भाई, रेयर पीस, आज हम लोग खाना गाड़ी में ही भूल गए। अभी बस निकाल ही रहे हैं। तो गाइस इस साइड रहती है गोल्ड फिश, मिक्स रहती है वो, भाई 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 ये देखो, अब बस निकाल ही रहे हैं यहाँ से भाई, सनराइज हो चुका है। ये देखो गाइस, दिखा आपको, हाथ पे तोता बैठा हुआ है, बच्चा ही है अभी। गाइस सभी मैं जा रहा हूँ, दाढ़ी आड़ी बनवा लेते हैं भाई, टाइम हो गया, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, बहरहाल भी कट करवा लेंगे, क्या यार कुत्ता भौंक रहा है, इग्नोर करना। गाइस तो मैं भीड़ देख के वापस आ गया भाई, जब गाड़ी से जब मैं घर आया था ना, तब मैंने देखा था, तब भीड़ नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई भाई, वापस जा रहा हूँ अब। गाइस तो मैं सो गया था और उसके बाद मैं पढ़ रहा था, अभी जा रहा हूँ दोबारा से, सोच रहा हूँ बाल कटवा लेते हैं, क्योंकि फिर वीकेंड में ही टाइम मिलता है ना, और कल से फिर सेशनल भी स्टार्ट है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। एक मुझे लग तो नहीं रहा कि दुकान अभी भी खाली होगी, क्योंकि शाम के टाइम भी फुल रहती है, मतलब 4-5 लोग तो बैठे ही रहते हैं। फिलहाल देखते हैं, और मुझे कुछ कॉपियाँ चाहिए थी, तो 2 कॉपी लेके आनी है, और मेरा बॉक्स भी ख़राब हो गया, बॉक्स भी लेना है, तो वो भी लेते हैं। और अगर दुकान खाली होगी बार्बर की, तो हम बाल कटवा लेंगे, वरना मैं नहीं जा रहा, बैठ के हम पढ़ेंगे फिर। इस बाहर तो लग ही नहीं रहा कि शाम हो रखी है, इतनी जल्दी सनसेट हो गया, अंधेरा हो गया, और आज जैनेश्वर भी गए थे, तो मतलब ठंडी का टाइम आ गया भाई, सूरज तो निकल ही नहीं रहा था, 6:30 बजे के आसपास कुछ सनराइज हुआ था। वही है, इस समय मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं भाई दिन भर सोया हूँ, तो अभी रात भर बैठ के पढ़ूंगा, और सुबह सोच रखा है कि मैंने सुबह जिम चला जाऊँगा भाई, इतनी ज़्यादा रात हो गई थी, इसलिए मैं नहाया नहीं हूँ, क्योंकि बाल कटा के आया था ना, तो बाल अभी चुभ हैं। फिलहाल मैंने टी शर्ट वगैरह उतार के साफ करी है, अभी दोबारा से कर लूँगा ताकि और अच्छे से साफ हो जाए। और फिलहाल अभी मैं बैठ के पढ़ने वाला हूँ, कल है 2 सेशनल, एक है कंप्यूटर फंडामेंटल का, एक वेब डिजाइनिंग का, मैं इसे बैठ के पढ़ूँगा, क्योंकि बड़ी स्क्रीन है ना, तो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिलहाल मैंने इसका नोट्स बना रखे, तो उसे पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़ेंगे, और फिलहाल पढ़ लेते हैं भाई, बहुत ज़्यादा बात कर लिया मैंने। तो गाइस अभी मैंने 2 घंटा पढ़ाई करी, अभी थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ मैं, सोच रहा हूँ इतने में अपना ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर देते हैं, क्योंकि वरना फिर ये रह ही जाएगा, और फिर अगले दिन 2 ब्लॉग एडिट करना पड़ता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और कल से सेशन स्टार्ट है, 3 दिन चलने वाला है, तो थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और रूटीन सही कर रहा हूँ मैं ताकि जिम जाऊँ, बाय बाय।